So well, hey guys, namaste, welcome back to my channel. This is Krisha Crunchy Nakumat Sailor here. So friends, अभी मैंने just ही ये new bowl खोला है जो कि है full roasted nakumat का, और खुलते के साथ ही मैं जो है कुछ chunks तोड़ देती हूँ check करने के लिए कैसा है कैसा नहीं है. ठीक है, तो देखिए soft भी है, crunchy भी है, plus बहुत अच्छा है टेस्ट वाइज, बहुत 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 अच्छा है. मैंने टेस्ट भी किया. इस बार जो फुल रोस्टेड एंड ब्लैक होल के बल्क्स हैं ना अभी जो मेरे पास लेफ्ट आउट, वो सारे मेटालिक फ्लेवर में हैं. स्मोकी तो है, अच्छा फ्लेवर है स्मोकी का, और लेकिन मेटालिक है. देखो पिंकिश येलोइश चंक्स भी हैं इसमें और मेटालिक फ्लेवर है. तो जिसको भी मेटालिक फ्लेवर बहुत पसंद है वो लोग ले सकते हैं. सॉफ्ट भी है, क्रंची भी है और मस्त है. देखो कुछ चंग इतने डार्क है, ब्लैक होल जैसे, ऐसे कलर ग्रेश ब्लूइश ब्लैक होल के ही होता है मोस्टली. लेकिन कैसा हो गया ना, इस बार सब मिक्स आ गया है. ब्लैक होल और फुल रोस्टेड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19 और 20 का ही डिफरेंस है. ठीक है, मैंने हमेशा कहा है, इस बार पता नहीं कैसे ये सारा मिक्स दे दिया इन्होंने. और पिंक कलर के चंक्स भी हैं इसमें, लेकिन अच्छा है. देख लीजिए कुछ, ये जितने टूटे हुए दिख रहे हैं ना आपको ऊपर ऊपर, सारे मैंने ही तोड़े हैं. बाकी चूरा क्रम्बल्स छोटे चंक्स, ये देखिए ऐसे तो बहुत कुछ है, नहीं टूट रहा. ये देखो ये प्रॉपर कार्बन ब्लैक, जेट ब्लैक कलर का चंक. इसको तोड़ के दिखाऊं, चलो इसको तोड़ के. इससे तोड़े तो बड़ा चंक है ना, चलो टूट गया. ऐसा तोड़ने से ना बहुत, मतलब नीचे बहुत चंक टूट जाते. ये देखो ये पूरा कार्बन ब्लैक चंक है, दिख रहा है कितना डार्क है. ये ज़्यादा रोस्टेड होता है, लेकिन लोगों को इतना ज़्यादा रोस्टेड ना कम पसंद आता है, क्योंकि फिर इसमें क्या हो जाता है ना, कुछ कुछ तो बहुत अच्छे टेस्ट में होते हैं पर कुछ कुछ में ना थोड़ा कड़वापन आ जाता है. तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा ब्लैक होल डार्क नहीं करवाती. अगर करवाना चाहूँ तो ब्लैक होल एक्चुअली में काला इस तरह का ही होता है, पर हमारा ब्लैक होल इतना ब्लैक नहीं है. आप लोग देख सकते हो ग्रेइश ब्लूइश चंक होते हैं इस तरह के. ठीक है, ये ब्लैक होल का है स्टॉक, और ये देखो ये उससे भी ज़्यादा कार्बन ब्लैक, पूरा जेट ब्लैक कलर. तो जिनको भी पसंद है डेफिनेटली ऑर्डर करना. और फुल रोस्टेड की बैग में इस तरह के कुछ चंक आ गए होंगे तो मैं सॉर्टिंग करके दे दूंगी, डोंट वरी. फुल रोस्टेड में फुल रोस्टेड के ही चंक मिलेंगे, ब्लैक होल ऑर्डर करोगे तो ब्लैक होल वाले ही चंक मिलेंगे. ठीक है, बैकग्राउंड में हम क्या काम करते हैं कैसे करते हैं वो हमारा लुकआउट है ना, आपको आप तक अच्छी चीज़ पहुंचाना हमारा काम है. बराबर, कस्टमर तक एक अच्छा परफेक्ट चीज़ें पहुँचाना ये हमारा काम है. तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिएगा कि कहीं फुल रोस्टेड मांगा है तो ब्लैक होल ना मिले, या ब्लैक होल मांगा है तो फुल रोस्टेड ना मिले. ठीक है, देखो फुल रोस्टेड के चंक्स देख लो आप लोग कैसे हैं. इस तरह का स्टॉक है अपना. ठीक है, इसको तोड़ के देखते हैं क्या. अरे यार, ऐसा करने से ना चंक तो टूटता नहीं है, लेकिन नीचे नीचे बहुत चूरा हो जाता है. नहीं टूट रहा यार, और अभी हैमर है नहीं, हैमर लानी पड़ेगी. बड़े बड़े चंक ज़्यादा आए हैं फुल रोस्टेड में. देखो कितने बड़े बड़े बिग चंक, देखो कितना बिग है. ये देखो ये भी बिग है, इवन दिस वन इज़ आल्सो बिग. और हमारे पास नेशनल प्लस इंटरनेशनल दोनों शिपिंग अवेलेबल है, सीओडी अवेलेबल नहीं है. और कैसी जा रही है आप लोगों की नवरात्रि, यहाँ पर तो माता जी की दया से बहुत अच्छा चल रहा है. देख लो वाव, तो बहुत अच्छा है. और खुशबू भी इतनी मस्त आ रही है ना, ये बल्ब खोलते इतना अच्छा फ्रेग्रेंस आ रहा है ना कि क्या ही बोलूँ, बहुत मस्त.
अभी मैंने इसमें से ही ना एक बिग चंक निकाल के जस्ट मैंने तोड़ा, और वो काइंड ऑफ ब्लैक होल का चंक है, देखो ब्लूइश ग्रेइश है, देख रहे हो। तो थोड़ा सा हो गया है गड़बड़ घोटाला कि मिक्स हो चुके हैं चंक, तो अभी मैं इसको बैठ के ना आराम से फिर सॉर्टिंग कर लेती हूँ। फुल रोस्टेड वाले अलग कर दूँगी, ब्लैक होल वाले पूरे अलग कर दूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा चंक मिक्स है। ठीक है, जब तक बैग नहीं खुलते कैसे आइडिया आएगा, राइट? जब बैग खुलेंगे तभी पता चलेगा ना। तो इसमें से जितने भी ब्लैक होल वाले चंक होंगे मैं सॉर्ट करके अलग कर लूँगी, ठीक है, और फुल रोस्टेड होता है वो अलग कर लूँगी। और बताओ, चंक तोड़ के आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना। देखो इसको भी तोड़ते हैं क्या, अरे यार जिससे तोड़ रही थी वही टूट गया, ब्लैक होल का चंक था। उन लोगों को भी ना अच्छा लगता है चंक तोड़ क्यों ना। नहीं टूट रहा, नहीं टूट रहा, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और इतना हैवीली पुश करती हूँ ना नीचे, कितना चूरा आता है पता है, फिर इतना चूरा पाउडर क्रम्बल डस्ट हो जाता है, तो लॉस हो जाता है, बट ठीक है। देखो कितना बिग चंक है यार, बहुत बड़े बड़े चंक है इसमें फुल रोस्टेड में, तो कब से वही चंक है। एक कस्टमर की डिमांड थी कि आप अपनी सारी क्ले एक ही वीडियो में दिखाओ, तो ये लग रहा है मुझे ग्रिटी और ख़राब। तो अभी इसकी सॉर्टिंग तो बाकी है, क्लीनिंग चेकिंग बाकी है, वो मैं कर लूँगी, और इस चंक को तब तक अपन साइड में रख देते हैं बराबर, और ग्रिटी ख़राब होगा तो फेंक ही देंगे। देख लीजिए, अच्छा है, मेटालिक फ्लेवर है, ज़रूर ज़रूर जिसने ट्राई नहीं किया है बिल्कुल ट्राई करो, मस्त है। ट्राई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑर्डर देने के लिए खाली स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिया है वहाँ से ऑर्डर करना है। और पिंक भी है इसमें, देखो पिंक निकला, ये वाइट है, ये पिंक है, कलर डिफरेंस दिख रहा है। डस्ट तो सब में ही आएगी क्योंकि क्ले है यार, क्ले में डस्ट नहीं होगी तो किस में होगी, है ना। और पिंक का ही स्टॉक फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, तो सब क्ले एक साथ दिखाना इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। अभी जितना है पहले, और काफ़ी सारी वैरायटी है, मतलब काफ़ी सारी वैरायटी की क्लेज अभी तक हो चुकी है मेरे पास। अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑर्डर दी हुई है, स्लेट आइटम का वीडियो नहीं आया था पर अभी उस पर बातचीत नहीं चल रही है, अभी तक ऑर्डर डिस्पैच भी नहीं हुआ है, पैक भी नहीं हुआ है, तो अभी तक उस पर काम चालू है, बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा, ठीक है। और आप लोग जो भी लोग व्यूवर्स हैं, मुझे रेगुलर वॉच करते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं, एक चीज़ बताओ, आप लोग बताओ कमेंट में, आप लोग को मेरी क्ले कैसी लगती है, क्या है मतलब आप लोग का रिव्यू क्या है मेरी क्ले रिलेटेड, मेरी चैनल रिलेटेड, मतलब कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो भी अच्छे से बताना, बुरा लग रहा है तो भी अच्छे से बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले मुझे अभी और क्या चेंजेस करने चाहिए या फिर और क्या नया चीज़ करना चाहिए, राइट। वैसे तो मुझे पता है मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या कहाँ तक करूँगी, कहाँ तक नहीं करूँगी, कितना करना है, क्या करना है, आई नो दैट वेरी वेल। बट समटाइम्स क्या होता है ना, थर्ड पार्टी व्यू भी इम्पॉर्टेंट होता है, इफ़ आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना तो किसी और से भी कभी भी पूछना चाहिए, थर्ड पार्टी व्यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। और देखो अभी बैठ के ना मैं वीडियो बनाते बनाते ही सारे चंक अलग भी कर रही हूँ, कौन सा किसका चंक है देख देख के वीडियो से। और यहाँ पे अभी बहुत सारा चूरा बुरा है, क्रम्बल वम्बल है, और नाइट टाइम पे वीडियो शूट हो रही है क्योंकि डे टाइम पे तो मौका ही नहीं मिलता है, हमारे घर पे गर्मी स्थापित होती है तो फिर इसकी वजह से डे टाइम पे तो बहुत बिजी हो जाता है मेरा दिन पूरा। तो ठीक है, जिसको पसंद है हमारी क्ले डेफिनेटली आप लोग बताओ,
कमेंट करके। ओके क्योंकि वैसे तो सारे रिव्यूज़ आते ही रहते, कम्युनिटी पोस्ट में लगाती रहती हूँ, बट स्टिल कैसा है, आप लोग की कमेंट भी इम्पोर्टेंट है ना। और बाकी आपकी फेवरेट प्ले कौन सी है और कौन सा वीडियो बनाना चाहिए मुझे वो भी ज़रूर बता। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।